खरगोन जिले में भिगनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खेरदा में पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों पर प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। हम आपको बता दें कि पुराने विवाद को लेकर झड़प हुई और युवक बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके मामला विवेचना में लिया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि एक अन्य महिला मंगूबाई के घर पर पत्थर फेंकने की बात पर फरियादी पक्ष और मंगूबाई के द्वारा आरोपी पक्ष के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एक आरोपी को राउंड अप भी किया है, इसमें एक इसी के समानांतर इन्हीं आरोपी जो फरियादी पक्ष है, इन पक्षों के द्वारा एक अन्य महिला है मंगूबाई, उसके घर पर भी पत्थरबाजी की, जिस पर से भी एक अन्य अपराध दर्ज किया जा रहा है। तो मंगूबाई और इनका फरियादी पक्ष का भी विवाद है, और जो फरियादी पक्ष है उनका भी अन्य एक वसीम करके है, उसके साथ भी विवाद हुआ है, जिसमें 2 प्रकरण आपराधिक दर्ज किए जा रहे हैं। थाना भिगनगांव के अंतर्गत ग्राम खेरदा है, वहाँ पर पुरानी रंजिश को लेकर के वहाँ के कुछ लोगों द्वारा एक कालू करके व्यक्ति है, जिसके साथ में उसके 2 चचेरे भाई सूरज और धन्ना भी थे। वो जब वहाँ से मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे तो कहा सुनी होने पर उसके ऊपर हमला किया और उसको कुछ धारदार हथियारों से भी चोट पहुँचाई, जिससे बाकी सूरज और धन्ना तो वहाँ से भाग गए थे। कालू इसमें घायल हुआ है, जिस पर से उसके चचेरे भाई की रिपोर्ट ली गई, जिसमें प्राणघातक हमला पहुँचाने की नीयत से किए गए अपराध में दर्ज करके उसको विवेचना में लिया गया है। इस संबंध में जो अन्य आरोपी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।